मिलिए इनसे। ये शख्स हैं विकास तुशीर। बीते साल के आखिर में हुए दिल्ली फार्मेसी परिषद के चुनाव में उम्मीदवार थे। चुनाव में जीत से चूक गए, लेकिन जो आरोप अब इन्होंने लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। इनका आरोप है कि दिल्ली फार्मेसी परिषद के चुनाव में बड़ी धांधली हुई थी। विकास तुशीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिलसिलेवार ढंग से आरोप गिनाए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में जो पीछे चुनाव हुए हैं उसमें बहुत भारी धांधली की गई है। चुनाव 5 साल में होता है, 9 साल में चुनाव किया गया, रजिस्ट्रार के द्वारा चुनाव करवाया गया हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। जो चुनाव 5 साल में होना चाहिए था वो 9 साल में कराया गया। अजय शर्मा और पंकज जात्रे, अजय शर्मा जो पिछले 20 साल से मेंबर है और पंकज जात्रे 9 साल से मेंबर है काउंसिल के अंदर, मैंने उनके खिलाफ, मैंने उनको बताया रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में, ये देखिए कि वो DOPT रूल, भारत सरकार का जो रूल है उसके तहत वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इस रूल के तहत 5 साल से ज़्यादा कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है वो किसी भी ऑटोनोमस बॉडी या ऐसी बॉडी में मेंबर नहीं रह सकता। 1 नवंबर जो कि आखिरी तिथि थी बैलेट पेपर वापस आने की रजिस्टर पोस्ट से, तो मैंने डॉक्टर राजीव टोंक जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे फ़ोन पर बात की शाम को 5:30 बजे के बाद कि भाई अभी तक टोटल वोट कितनी आपके पास आई है। उन्होंने मेरे को जो संख्या बताई वो बताई 7745। उसके बाद जब काउंटिंग शुरू होती है नेक्स्ट मॉर्निंग में, मतलब सिर्फ रात रात बीच में थी, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में काउंटिंग शुरू होती है तो जो संख्या अनाउंस की गई वो 8844, 1099, लगभग 1100 वोटें रात रात में बढ़ा दी गई। अब कैसे बढ़ा दी गई वो जानते हैं, जांच का विषय है। जो बैलेट बॉक्स हैं जिनमें वोटें रखी गई थी, जो वे सील किए गए, उसमें किसी भी कैंडिडेट के कोई सिग्नेचर नहीं लिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने अपनी मर्जी से उनको सील किया है, किसी के सामने उनको सील नहीं किया गया है। तो मैनिपुलेशन किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि 1 महीना बैलेट बॉक्स जो है उनके पास ही रहे हैं। काउंटिंग होने के बाद जब हमने उनसे रिजल्ट मांगा तो हमें रिजल्ट नहीं दिया गया, इवन अभी तक भी हमें पूरा रिजल्ट नहीं दिया गया। बार बार कहने के बाद हमने तो बार बार उनको कहा, ये देखिए, उसके बाद हमने रिजल्ट के लिए मांगे और CCTV फुटेज मांगी हमने, भाई जो आपने गड़बड़ की है उसके लिए CCTV फुटेज हमें दो, तो वो भी हमें नहीं दी गई, जिसके लिए हम पेमेंट करने को भी तैयार थे। इनका दावा है कि सब कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से हुआ और इन्हें जानबूझकर चुनाव में हराया गया। अब ऐसा क्यों किया गया इसकी भी विकास तुशीर खुलकर वजह बताते हैं। बकौर विकास तुशीर, जो नए युवा फार्मेसी का कोर्स करके आते हैं, उनका जानबूझकर इंटरव्यू लिया जाता है, जबकि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है और ऐसा करने की वजह भ्रष्टाचार है। और धांधलेबाजी जो की गई है वो क्यों की गई बता देता हूँ। जो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार हैं कुलदीप सिंह, वो वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे एक इंट्रू सिस्टम लागू किया हुआ है। मैं पिछले 6 महीने से उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, भाई इंट्रू सिस्टम हम वहाँ पे नहीं रहने देंगे, क्योंकि जो बच्चा कॉलेज से डिग्री लेके, डिप्लोमा लेके, अपने प्रैक्टिकल वगैरह करके आ गया, उसके इंटरव्यू का कोई भी प्रावधान हमारे फार्मेसी एक्ट में नहीं है। ये इंट्रू सिस्टम जो लागू कर रखा है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कर रखा है। विकास तुशीर ने आरोप लगाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी शिकायत की है। विकास तुशीर के साथ साथ कई दूसरे कैंडिडेट्स ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये आरोप ही नहीं बल्कि उनके पास इन सब के प्रमाण भी किया था कि आप इसको साबित कैसे करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो फोन में बताया है। मैंने इसमें ये कहा है कि मेरा नार्को टेस्ट किया जाए और साथ में रिटर्निंग ऑफिसर, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इन सब का भी नार्को टेस्ट किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके, क्योंकि खाली फोन पर बात होने से नहीं मानेगा ना कोई भी, लेकिन नार्को टेस्ट एक उचित आधार है, तो मैं अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूँ। आरोपों के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 40,000 से 45,000 फार्मासिस्ट हैं, लेकिन चुनाव में बैलेट पेपर से सिर्फ 17,000 ने ही वोट किया। आरोपों के मुताबिक मतदाता सूची से करीब 2,000 वैध नाम गायब कर दिए और शेष बचे बड़ी संख्या में मतदाताओं को बैलेट पेपर ही नहीं भेजे गए। इसमें उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर और सब रजिस्ट्रार के द्वारा मिलीभगत का आरोप लगाया। 17,000 को बैलेट भेजा ये कहते हैं, उनका हिसाब तो बताते कि कितने वापिस आए, कहाँ रखे गए, क्यों कैंसिल किए। एक आदमी अगर बैलेट खोल के उससे गलती से लिफाफा फट गया होगा तो उसने टेप लगा दी, उसको भी साइड लगा दिया गया। इन्होंने किससे पूछा, क्या कंटेस्टेंट से पूछा गया कि इसको वैलिड माने के ना माने, नहीं, अपनी मर्जी से किए गए। आरोप लगाए गए हैं कि बैलेट पेपर वोटर को ना भेजकर एक विशेष पक्ष का साथ दिया गया, साथ ही जो बैलेट पेपर जिनमें सील किए गए थे उन मत पेटियों की सील पर भी कैंडिडेट्स के सिग्नेचर नहीं करवाए गए और ना ही उस वक्त की CCTV मुहैया करवाई जा रही है।
हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है नवदीप टुडे इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली से नवदीप टुडे के लिए दीपक दहिया की रिपोर्ट।